गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग टेंस को लेकर के डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश किया था और अब हम फ्यूचर पे चलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है हम पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्जिलरी वर्ब इसमें क्या आता है। विल और शैल। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, एक्जिलरी वर्ब इसमें विल और शैल आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो विल किसके साथ यूज होता है, शैल किसके साथ यूज होता है, देखिए। तो शैल सिर्फ आई और बी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सभी के साथ जितने भी सारे सब्जेक्ट आएंगे आई और बी को छोड़ करके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनेंगे वो सबके साथ विल यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आई और बी के साथ शैल यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। विल शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अफर्मेटिव क्या रहेगा, सब्जेक्ट की विल या शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, हिंदी में कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मैंने बताया था आई और बी के साथ शैल यूज करना है और बाकी सब के साथ विल यूज करना है। तो आई यहाँ लिखेंगे और शैल यूज करेंगे, आई शैल। पढ़ना की अंग्रेजी वर्ब रीड, आई शैल रीड इंग्लिश। ये रहा, अगर इसके स्थान पर आता है कि वह अंग्रेजी पढ़ेगा, है ना, अगर ये रहे तो वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो आप ही लिखेंगे और ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ ही शैल रखना है। तो ई विल रीड इंग्लिश, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको हम इरेज कर देते हैं, अब चलते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस
विल या शैल, और विल या शैल के बाद निगेटिव वर्ड जो नॉट होता है वो आ जाएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद और विल आ जाएगा। ये अब लेते हैं एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह कहेंगे जी ही के बाद क्या लिखेंगे, विल या शैल। तो हमने बताया था कि आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है, तो ही है तो हम ही विल यूज करेंगे। He will not go to school. ये negative होगा। He will not go to school. अब interrogative देखेंगे। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप में स्टार्टिंग में हमारा एग्जेक्टिव वर्ब जो होता है जिस टेंस का वो स्टार्टिंग में आ जाता है, तो विल या शैल ये जो है इसको स्टार्टिंग में रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। ये ठीक एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम जाओगे? क्या तुम घर जाओगे? तो इसको बनाना है, तो स्टार्टिंग में हमें विल या शैल रख देना है, तो विल रखना है कि शैल रखना है, तो हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के लिए क्या रखना है, विल रखना है, विल इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो यू हो जाएगा विल यू बर्ड, सब्जेक्ट बाद बर्ड, गो है विल यू गो घर होम या हाउस, ये हो गया विल यू गो होम, क्या तुम घर जाओगे। समझ में आया? अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड टाइप डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच इसके बाद विल शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा वह बाजार से क्या खरीदेगी? अब देखिए जो क्या स्टार्टिंग में था बीच में आ गया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड डब्ल्यूएच मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा है उसको ढूंढ के हमें स्टार्टिंग में लाना है, तो ये क्या है, क्या अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है, तो व्हाट को हमें कहाँ रखना है, स्टार्टिंग में रखना है,
है ना, तो इसकी अंग्रेजी वाट, ये हो गया WH, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या रखना है, विल या शैल रखना है। तो विल या शैल में से कौन सा हमें यहाँ रखना है वो डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे आपका क्या है, ही है वह, और ही नहीं है सी होगा क्योंकि यहाँ खरीदेगी है ना, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो सी के लिए हमें क्या यूज करना है, विल या शैल, तो विल यूज करना है। तो व्हाट विल, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सी है, व्हाट विल सी है ना। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, वर्ब क्या है हमारा, खरीदना। खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है, बाय, बाय। अब देखिए, बाजार से फ्रॉम मार्केट, व्हाट विल सी बी, व्हाट विल सी बाय फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से क्या खरीदेगी, ये रहा। तो सेकेंड टाइप, अब चलते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप देखते हैं, नाउन विल सेल, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये रहा एग्जांपल। इसके देखते हैं, ये थर्ड टाइप है, तुम किसकी तुम किस कक्षा में पढ़ोगे, तुम किस कक्षा में पढ़ोगे। तो पहले देखिए हमें क्या लिखना है, ये लास्ट स्टेज में आप लोग जो है, आप लोग को दिक्कत होती है तो ध्यान दें। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डब्ल्यू एच, इसके बाद नाम लिखना है, फिर विल शैल लिखना है ना। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ रहा है इसमें, किस, ये किस कक्षा है ना, ये नाउन वर्ड हो गया, जो ये नाम लिखा गया है, ये हो गया इंट्रोगेटिव आपका, ये हो गया ठीक है। अब ये मे है, मे की अंग्रेजी इन होती है, तो स्टार्टिंग में लिख देंगे इन, इन, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, किस कक्षा में, तो विच हो जाएगा, हो जाएगा विच क्लास, कक्षा की अंग्रेजी क्लास हो जाएगा, इन विच क्लास। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी यू है, तो उसके लिए हमें विल यूज करना है, ना कि शैल, विल यूज करना है, विल यू इन दिस क्लास विल यू रीड, या स्टडी, इन दिस क्लास विल यू रीड, ठीक है। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा फिनिश हो गया है। अब अगले वीडियो में हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेके आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।